वेल हेलो गाइस, मैं आशुतोष यादव एंड दिस इज किरण कुमार। और हम आज आपको अपना टेक बताएंगे कि हम क्या सोचते हैं आदि पुरुष के बारे में, एज अ एनिमेटर एंड 3D आर्टिस्ट, क्योंकि तो हमारे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग द पर्सन हु लिव्स इन दिस पर्टिकुलर हिंदुस्तान एज एंड वी हैव सम एक्सपीरियंस इन 2D एंड 3D एनिमेशंस एंड लिटिल बिट इन VFX एज वेल, तो हम उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जो इस पर्टिकुलर ट्रेलर में जो चल रहा है उसका भी थोड़ा सा बताएंगे, और साथ ही साथ हम ये बताएंगे कि हमारा टेक उसके साथ में इमोशनल अटैचमेंट के साथ भी कैसा है। तो शुरू करें, चलिए। लेट्स गो। वेल हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू हिंदी में करते हैं, हम आज आदि पुरुष का ट्रेलर देखने वाले हैं। वैसे हमने देख लिया है बट वी आर स्टिल गोइंग टू फेक वॉच इट अगेन सो दैट वी कैन रिव्यू इट। तो चलो देखते हैं और रिव्यू करते हैं। A few minutes later. ओके, तो हमने इस पूरे के पूरे ट्रेलर को 2-3 बार देखा। देखने के बाद अभी हम थोड़ा फ्रेम बाय फ्रेम इस पे थोड़ा बात करेंगे कि एग्जैक्टली कहाँ पे, बीइंग ए डिज़ाइनर, हम अपना एक पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं कि कहाँ पे इश्यूज़ हैं, बिकॉज़ वी डिज़ाइन 2D एंड 3D एनिमेशंस एज वेल। तो देखते हैं कि फ्रेम बाय फ्रेम कहाँ कहाँ इश्यूज़ हैं। पहला, ये इस वाले फ्रेम में जैसे कैमरे का लेंस होता है, एक कॉर्नर में डिस्टॉर्शंस होते हैं लेंस में, देयर इज ऑलवेज डिस्टॉर्शंस अवे फ्रॉम द सेंटर। जितना ही वाइड एंगल होगा उतना ही ज़्यादा, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा 4K जो जो लेंसेज होते हैं, जो आपके बोलना चाहिए गोप्रोज एंड ऑल जो होते हैं, उसमें ज़्यादा डिस्टॉर्शंस होता है वो, क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ा वाइड एंगल होता है। जितने ज़्यादा वाइड एंगल लेंस होंगे उतने ज़्यादा डिस्टॉर्शन होंगे। इसमें जो ये शॉट है, पीछे का जो बैकग्राउंड शॉट है, इस बैकग्राउंड शॉट में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन यहाँ पे दिख रहा है। चीज़ें यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेच हो रही हैं, कॉर्नर साइड से थोड़ी स्ट्रेच हो रही हैं, पर ये जो पक्षियाँ उड़ रहे हैं ये पक्षियों पे उतना डिस्टॉर्शन नहीं है। देर शुड बी डिस्टॉर्शन ऑन द बर्ड्स एज वेल। तो ये बैकग्राउंड से मैच नहीं कर रहा है। और 3-4-5 सेकेंड का मेरे ख्याल से अंडर वाटर शूट होगा, तो मुझे लगता है ये 3-4-5 सेकंड अंडर वाटर शूट तो इनको रियल वाटर में ही शूट कर लेना चाहिए था, इसको एनिमेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तो उतना कर सकते हैं, दैट्स द पॉसिबिलिटी। और ओरिजिनल भी लगता है, आजकल बहुत अच्छे वाटरप्रूफ कैमराज भी हैं, 4K एंड 6K कैमराज हैं। अब जब कह ही रहे तो और इसमें एक और है, जब अंडर वाटर शूट में लाइटिंग्स जो हैं वो ठीक तरह से नहीं आ रहा है, क्योंकि एनिमेशन पे हमको ग्रीन स्क्रीन में, मुझे लग रहा है कि ग्रीन स्क्रीन में प्रभास को ऐसा शूट किया गया, बाद में बैकग्राउंड्स एंड फोरग्राउंड्स को मैच किया गया, थोड़ा सा पानी होने की वजह से थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट भी दिया गया। तो ऊपर जो सन रेज आ रही हैं वो सन रेज बहुत ध्यान से जब हम प्रभास के हाथ को देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा भाग रहा है वो, सनलाइट थोड़ी सी इधर उधर भाग रही है। वो तब होता है जब ट्रैकिंग अच्छे से नहीं, ठीक से होती है। जब ट्रैकिंग आप ठीक से नहीं करते हैं तो वहाँ पे भागता है। और यहाँ पे इस वाले सीन पे जहाँ पे ढेर सारे जो ये डीमंस आ रहे हैं, पहले तो ये डीमंस डेडली हेलोज वाले सीन के वो दम पिसाच दम पिसाच लग रहे हैं, इट्स लाइक ये थोड़े कार्टूनिश है, दिस इज नॉट लाइक हाउ एग्जैक्टली डीमंस आर पोर्ट्रेट इन इंडियन हिस्ट्री। और दूसरा ये कि प्रभास और बैकग्राउंड और ये सारी चीज़ें बहुत अलग लग रही हैं। इसमें 3-point light जनरली यूज़ होता है, हम जनरली एक फ्रंट लाइट, एक की लाइट यूज़ करते हैं, और साइड से एक लाइट और एक पीछे हाईलाइट्स यूज़ करते हैं, तो वैसा प्रभास के साथ भी किया है। बस बस दिक्कत ये हो गई है कि सूरज प्रभास के लेफ्ट में है, वहाँ से थोड़ी सी लाइट आ रही है और थोड़ी सी रोशनी प्रभास के लेफ्ट साइड से तो सूरज का आ रहा है, राइट साइड से भी थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट आ रहा है जितना नहीं होना चाहिए। और ये थोड़ा सा मिसमैच लग रहा है लाइटिंग्स का, और पहाड़ का जो लाइटिंग है जो पहाड़ का भी है वहाँ पे भी एक्स्ट्रा लाइटिंग आ गया, जबकि
पहाड़ के अपोजिट साइड में है आपका सनरेज और पहाड़ में ज़्यादा लाइटिंग आ रही है। राइट, यही मैं भी बोलने वाला था कि पहाड़ का जो लाइटिंग डायरेक्शन है वो भी गलत है। और ये वाला जो एंगल है प्रभास का, जो बाहुबली में जो उसने लटकते हुए जो लास्ट वाला तीर छोड़ा था जिससे वो जाके फंसा, एंड देन ही वॉज एबल टू क्लाइम दैट माउंटेन, दैट लास्ट पोर्शन ऑफ दैट माउंटेन, तो वो वाला जो सीन है उस सीन को लेकर इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। तो बहुत सारे सीन्स कॉपी पेस्ट करते हैं, पर ये 100% आर्टिफिशियल। प्रभास के ऊपर पूरा फोकस है और उसके सामने से भी अगर कोई जा रहा है, कोई अगर उसके पास से या सामने से अगर कोई डीमंस, सो कॉल्ड डीमंस जा रहे हैं, तो उसमें भी उतना फोकस नहीं आ रहा है। पर हम जब शूट करते हैं तो सब्जेक्ट फोकस के साथ में डिस्टेंस के साथ ब्लर होता है, डेस्क के साथ ब्लर होता है, तो ये चीज़ इसमें ठीक से मैच नहीं कर रही है। और इसके बाद ये वाले में, इसमें तो ये ब्लास्ट हो रहे हैं और डिसॉल्व हो जा रहे हैं, हवा में गायब है, तो पूरा गेम वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है कि गोली मार दिए वो गिरा और गायब हो गया। गिरा भी नहीं, हवा में गायब है। एक्चुअली क्या है, गेम के कॉन्सेप्ट पे मूवी बनी हुई लग रही है थोड़ी सी, क्योंकि रियल लाइफ में अगर कुछ डीमंस हैं तो वो नीचे गिरेंगे। जैसे हमने मार्वल्स की मूवीज में देखा कि देयर विल बी लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस आफ्टर द वॉर एंड देयर विल बी लॉट ऑफ यू नो। ऐसा तो दिखाना था जैसे इन्होंने अभी डीमंस को मारा है तो डीमंस नीचे गिर के गायब हो रहे हैं। पहली बात तो गायब होंगे नहीं, अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो देयर विल बी लॉट ऑफ कचरा, स्लज और बॉडी पार्ट्स लाइंग अराउंड, तो वो रियलिस्टिक लगता है क्योंकि रियल में चीज़ें गायब नहीं होती हवा में। इसमें एक बात अच्छी मैं कहूँगा, पॉजिटिव पॉइंट, कि ये जो आवाज़ है ये बहुत अच्छी है। बाहुबली में भी सेम आवाज़ थी, इसमें भी सेम आवाज़ है प्रभास की, दोनों के दोनों बहुत अच्छी आवाज़ है। हाँ, हमारे रावण साहब आ गए और मुझे समझ में नहीं आता एक चीज़ बॉलीवुड की, कि वाई डू यू वॉन्ट टू मॉडर्नाइज समथिंग विच इज़ एंशियंट। अच्छा, एंशियंट से याद आए, आदि पुरुष नाम ही गलत है पहले तो, क्योंकि आदि का मतलब होता है प्राचीन, पुराना, सबसे पहला, बहुत पुराना। लाइक राम जी सबसे पुराने नहीं थे, राम जी बहुत बाद में आए, वो बोला चाहिए उन्होंने राज किया ही, वो युग पुरुष बोल सकते हैं उनको, या आप ये बोल सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम बोलें उनको, मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहा जाता है। पर आदि पुरुष आप मनु को बोल सकते हैं, जैसे आदि योगी बोलते हैं शिवा को, क्योंकि वो सबसे पहले योगी थे। और इनका हेयर कट है पूरा स्पाइक्स, और देखिए क्या होता है ना कि जब आप स्टोरी देखिए, किसी भी एनिमेशन, बीइंग एन एनिमेटर, हम तीन बातों का ध्यान रखते हैं, स्टोरी सबसे पहले है, ठीक है, दूसरा है इमोशंस कनेक्टेड विद द स्टोरी एंड हाउ द स्टोरी प्लेज इट, थर्ड होता है आपका लिटरल एनिमेशन एंड VFX। तो VFX एनिमेशन बाद में आता है, थोड़ा VFX खराब भी होगा चलेगा, लेकिन आप स्टोरी खराब नहीं कर सकते, स्टोरी आपको एज इट इज रखनी पड़ेगी। यहाँ पे मॉडर्नाइज हो गया है पूरे, पूरा पूरा जोर दिया गया है VFX। और ये देखिए, दिस इज टोटली रबिश, बीइंग ए एनिमेटर्स वी से इज टोटली रबिश। उसका कारण ये है, अब ये लाइटिंग वाइटिंग का छोड़िए, वो तो यहाँ तक आ करके वो तो दिमाग ही काम करना बंद कर देता, फ्यूज उड़ जाता है। सबसे पहले तो आप स्टोरी की बात बताओ, सबसे पहले तो आप जब बोलते हैं कि रावण के पास में जो रथ था वो कुबेर का था, पुष्पक विमान जो था वो कुबेर का था, उसने वो हथिया लिया था, दैट वॉज द स्टोरी। तो जस्ट इमेजिन, जो कुबेर हैं वो हैं धन के देवता, धन के देवता चमगादड़ में घूम रहे हैं। हमारे ग्रंथों में है कि उस जो रथ थी, जो उसका सामने का हिस्सा हंस का था, अब चमगादड़ किस दिन से हंस से दिखने लग गया, तो बिल्कुल। और दूसरी बात कि इनके डायरेक्टर का एक स्टेटमेंट आया था कि लाइक यू हैव टू सी दैट इन 3D, और आप बड़े पर्दे में देखिए, फ़ोन में देखने के लिए नहीं है तो फ़ोन में देखें, बड़े पर्दे में चंगा दे। और ये तो 100% कार्टून लग रहा है, ये वाला सीन जिसमें रावण के ढेर सारे सर बाहर निकल रहे हैं, नॉट रियलिस्टिक, बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। और ये देखो, ये वाला पोर्शन देखो, यहाँ पे देयर इज अ शाइन, है ना, देयर इज अ शाइन। तो ये शाइन कैसे आ जाएगी, पहली बात तो यार शैडो होगा। देखिए दो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा शैडो आता ही है,
वहाँ शाइन नहीं आएगा, वहाँ हाईलाइट नहीं आएगा। तो इट्स लाइक, और दूसरा ये थोड़ा कार्टून लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि 3D में करके उसको, मतलब सी अच्छा एनिमेशन, अच्छा VFX बोलते हैं जब वो विजिबल नहीं होता है। वेन इट्स रियल इट्स कॉल्ड वेरी नाइस VFX। एक्टिंग के लिए भी है, वो एक्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि एक्टिंग लगे ना, रियल लगे। VFX पे भी ऐसी है, तो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। इसमें वॉइस अच्छी है, बैकग्राउंड म्यूजिक और वॉइस बहुत अच्छा दिया है, लेकिन अब रेडियो में थोड़ी सुन रहे हैं हम। अभी यहाँ पे कई चीज़ देखने की है। सबसे पहले तो दिस इज टोटली कार्टून, दिस इज़ अ कार्टून, दिस इज़ नॉट ए मूवी, दिस इज़ एनिमेटेड कार्टून सीरीज। और ये बहुत ही लेजी वर्क है, इसका कारण बता दो, कॉपी पेस्ट है। ये सामने जो गोरिल्ला है उसके राइट साइड भी सेम गोरिल्ला है, हल्का फुल्का चेंज किया, एक्सप्रेशन चेंज किया है। पीछे में ये गोरिल्ला, अरे ये गोरिल्ला, ये पहली बात गोरिल्ला कहाँ से आ गया भाई? वानर का मतलब होता है वन, मतलब जंगल, नर मतलब मनुष्य, वानर मतलब वन में रहने वाले मनुष्य। उस समय ऐसी प्रजाति थी जो थोड़े बहुत पिछड़ी प्रजाति थी, वो उतने सिविलाइज नहीं थे, उतने मॉडर्नाइज नहीं हुए थे, थोड़े जंगल में रहते थे और वो थोड़े से हल्के फुल्के जंगली दिखते थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बंदर ही बना दें उसको, थोड़ा बहुत हम बंदर बोलते हो कि वी आर डिसेंडेंट ऑफ नियंदरथाल्स, नियंदरथाल्स वेयर द फर्स्ट वंस हु काइंड ऑफ इवॉल्व, और उसके बाद फिर होमो इरेक्टस आए एट द एंड ऑफ दिस होल सीरीज, दे वेयर द फर्स्ट हु एक्चुअली हुज बैकबोन वॉज इरेक्ट, ठीक है, उसके बाद फिर हम आए। तो ये आप बोल सकते हैं कि उसके बीच का कोई एक सीरीज है जो उतना इवॉल्व नहीं हो पाया, बट दे वेयर ह्यूमंस, दे वर नॉट चिंपैंजीज और गोरिल्लास, ठीक है, आप थोड़ा सा रेस्पेक्ट करना सीखिए। और ये तो पूरा वाइट वॉकर्स ही है, ये गेम ऑफ थ्रोन्स वाला वाइट वॉकर है। ये गोरिल्ला तो पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक था ना, पता नहीं ये सुग्रीव है कि कौन है, लेकिन एक वो आया था ना, एक कार्ड, एक गेम आता था जिसमें वो फेंकता था ऊपर से, ड्रम फेंकता था, यू हैव टू क्रॉल एंड यू हैव टू, मैं भूल गया हूँ, पर वो गेम की तरह, कार्टून गेम्स की तरह आपने बनाया है इसे, ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा शेडोज लाइट्स। और क्या होता था, जब आप पुल कर रहे होते हैं तो आपका मसल उस समय थोड़ा, मतलब बिकॉज इट कंटेन्स लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है, वो एफर्ट आपके मसल्स में दिखता है, वो एक्सपैंड होंगे, स्ट्रेच होंगे। हनुमान जी लिटरली बिल्कुल ऐसे नहीं दिखते थे पहली बार, ठीक है। कंचन वरण विरास सुएसा कानन कुंडन कुंचित केसा, कंचन वरण का मतलब है उनका जो रंग था वो थोड़े गोरे थे, कंचन मतलब सोना को कंचन बोलते हैं ना, ठीक, कंचन यानी सोना, तो उस टाइप के दिखते थे। ही वॉज रेड, he used to radiate light, he was very smart and he used to radiate light, aura bol sakte, aura is very nice word, wo aura dikhti thi. aur dusra kanchan varan viras suesa kanan kundan, kanan matlab kaan mein kundal, kaan mein kundal pehen ke rakhte the wo, theek hai, us zamane mein kundal generally aam taur pe log pehante the, kanan kundan mein kunchit kesha, kunchit matlab thoda sa ghungrale, kesha yani baal, kunchit kesha matlab unke baal thode ghungrale the, तो आपको ये समझना पड़ेगा। लेदर का, लेदर जनरली क्या होता है, सनातन धर्म में लेदर अलाउड नहीं है, कई जगह लेदर यूज नहीं करते हैं। कभी भी आप किसी मंदिर जाएंगे वहां पे लेदर का बाहर निकाल के जाओ, चप्पल निकाल के जाओ, लेदर पहन करके किसी पशु पक्षी को नुकसान पहुंचा करके हम ये काम नहीं करते थे। और उस समय और हनुमान जी को ही लेदर पहना दिया, लगभग सबने पहना हुआ है, और सब ने सफेद रंग की धोती भी पहनी हुई है, भगवा पहनते हैं। एक नियम होता है जब आप वनवास जाते हैं ना जंगल में, अरे जंगल में एक दिन निकल जाओ तो मैन वर्सेस वाइल्ड का सीरीज बन जाता है, समझ रहे हो? तो जंगल में जाना इतना आसान काम नहीं, 14 साल के लिए जाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। सफेद पहन के जाओगे और इतने सालों तक सफेद ही रहे, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, धोएंगे का निर्मल डिटर्जेंट थोड़ी, क्या होता ना कि हम थोड़ा ये सब देख करके मैं भी एक्साइटेड हो गया, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, मेरी वॉइस भी थोड़ी तेज हो गई है, पर क्या है ये सब देख के अच्छा नहीं लगता है। ये तो उसका सीन लग रहा है मेरे को, मुगली नहीं, ये एक गेम आया था ना, तो टेम्पल रन वाली फील आ रही है इसमें। और देखो रावण की सोने की लंका थी, ठीक है, ब्रॉन्ज भी ये सोने का ऐसा नक्काशी किया हुआ, ऐसा देखो सोने कैसे इन्होंने बनाया है,
वर्टिकल बीम्स बनाई हैं, शेप्स बनाए हैं सोने के। अच्छा आपको एक बात समझनी पड़ेगी, द आर्किटेक्चर अराउंड दैट टाइम वर मोस्टली ऑन स्टोन्स, ठीक है, आप स्टोन कार्विंग्स करते थे। बल्कि हमारे पास साउथ में एक मंदिर है जो ऊपर से नीचे तक एक पत्थर से बना, एक पहाड़ को पूरा शेप देके पूरा एक पत्थर सिंगल स्टोन से पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा मंदिर बनाया। तो दे वर डिफरेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर्स, अमेजिंग आर्किटेक्चर्स। और रावण खुद ही एक अमेजिंग आर्किटेक्चर, बिल्कुल रावण बहुत बुद्धिमान था। तो क्या होता है ना कि आप ब्लू टेक्सचर में, ब्लू टोन में डार्क वहां पे चमगादड़ निकल रहे हैं, या आपका ड्रैकुला वाली मूवी नहीं चल रही है भाई। रावण बहुत अच्छे से राज करता था, पीपल वेर वेरी हैप्पी इन हिज पर्टिकुलर टाइम। रावण को इसीलिए मारा गया क्योंकि उसके पास 10 इश्यूज थे, 10 थे, उसमें से एक घमंड था, सबसे बड़ा तो घमंड था, और लालच, और भी चीजें हैं 10, तो इसीलिए वो 10 सर दिखाते हैं उसके, 10 बुराइयों का प्रतीक है। लेकिन वो था ब्राह्मण, और बीइंग ए ब्राह्मण ही वाज अ वेरी गुड रूलर, और उसकी प्रजा उस समय बहुत खुश थी। आज भी श्रीलंका और बहुत सारे जगह पे रावण को रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि इट इज इवन राम ने लक्ष्मण को भेजा था कि जाइए आप रावण के पास जाइए और ज्ञान लीजिए, क्योंकि रावण कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत ज्ञानी पुरुष है। और रावण एक ऐसा इंसान था कि आप जैसे मार्केट से कुछ फल सब्जी फूल ला कर कैसे चढ़ा देते हैं, रावण सर चढ़ाता था, है ना, मतलब शिव जी के ऊपर सर चढ़ा देता, गला काट के उस सर चढ़ा देता था अपना, ऐसा इंसान था रावण। इंसान बोलेंगे आप जो भी बोलेंगे, बट ही वॉज एन अमेजिंग पर्सन। गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया, और ये जो मूछ वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये पूछ काट के ऐसा आपने पता नहीं क्या देखा। और ये पहली बात तो ये जो हनुमान जी को हम पोर्ट्रे करते हैं, इंडिया में कहीं भी घूम लीजिए आप, कितने मंदिर होंगे, बहुत मंदिर होंगे, असंख्य मंदिर होंगे, हर गांव के बाहर एक हनुमान जी का मूर्ति रहता है बड़ा सा। आप ना किसी की देखिए, एक के बोलते हैं कि लाइक देयर शुड बी ए फ्रीडम ऑफ यू नो एक्सप्रेशन, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप रखिए, लेकिन हिस्ट्री हिस्ट्री होती है, है ना। ए फॉर एप्पल जो है, ए को ए लिखेंगे, बी को ए नहीं बोलना शुरू कर देंगे आप, बोले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है भाई, मैं बी को आज से ए बोलूंगा, नहीं बोल सकते आप, क्योंकि नहीं होता है। तो हिस्ट्री हिस्ट्री होती है, दिस इज अवर हिस्ट्री, थोड़ा सा उसका रेस्पेक्ट करिए। और उनका जो धनुष है और जो चीज़ें हैं, सी एट दैट टाइम दीज काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स वेर नॉट देयर, देयर वेर अमेजिंग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स, बट पर उनका बनाने का तरीका इस तरह का नहीं था। ये तो मुझे लग रहा है कि लास्ट में जो जय श्री राम वाला आता है ना, दिस इज अमेजिंग, ये सुन करके बहुत मजा आता है। फिर जब ये तीनों एक साथ जब आते हैं, लक्ष्मण जी आते हैं अपने पूरे पूरे कट वाले दाढ़ी के साथ में, मतलब मैं सही बता रहा हूँ आपको, किसी सैलों या फिर कोई ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट से स्पॉन्सरशिप मिली है क्या, आप बताइए। मुझे लग रहा है कि कुछ मिली है, मुझे लग रहा है ना इनका कोई स्पॉन्सर है, जो लास्ट में राम जी बोलेंगे कि राम जैसा बनना है तो ये वाला शेविंग क्रीम लगाना है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा लास्ट में। क्या चल रहा है, मतलब एक कवच वच पहने है, क्या पहने है? मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि क्यों ऐसा होता है? वनवास में जाने वाला आदमी सफेद रंग का, पहले तो धोती नहीं पहनते थे, वो पूरा भगवा होता है कलर। आपको मुझे ऐसा लगता है भगवा से चिढ़ हो गई है लोगों को आजकल, भगवा शब्द से चिढ़ हो गई है, पता नहीं क्या है। इट्स जस्ट ए कलर, ओके, इट्स कॉल्ड सैफ्रन कलर, इट्स ए कलर, वो कलर यूज करते थे वो पहले, ठीक है ना। सनराइज होता है, सनसेट होता है ना, तो वही कलर होता है पूरी दुनिया में। भालू जामवंत, जामवंत तो भालू ही बना दिए भाई, वो बोलेंगे कैसे। सी क्या होता है ना, हमारे जो शब्द, जैसे सी जो बातचीत होती है ना, वाई संस्कृत एंड हिंदी आर कॉल्ड वेरी आर्टिकुलेटेड सिस्टम ऑफ स्पीच एंड वेरी अमेजिंग सिस्टम ऑफ स्पीच, उसका कारण ये है कि ये साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है। जो जॉ मूवमेंट है, जो हाउ यू स्पीक, वो ऐसा स्ट्रक्चर है। क्या होता है ना, ए बी सी डी करके आपके पास 26 लेटर्स हैं, उसमें फिर वाउल्स हैं 5, ठीक है, उसके कॉम्बिनेशन से आपने फोनेटिक चार्ट बनाया।
ये बहुत अच्छा किया, लेकिन हमारे में ये कुछ ये और आगे है, ये और एडवांस्ड है। क ख ग घ अंग, जीभ और मुंह के जो बोलना चाहिए टच और जो जीभ के पोजीशन से जो हवा निकलती है उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, कैटेगरीज ऑफ साउंड प्रोड्यूस हो सकती हैं, उनको कैटेगराइज किया गया। क ख ग घ अंग, ठीक है। और अगर होंठ ऐसे मिलेंगे तो प फ ब भ म, जीभ का कोई रोल नहीं है इसमें, जीभ लटक रही है, प भ ब भ म, जीभ दांत के पीछे में आएगी, त थ द ध न। गेटिंग द पॉइंट, इट्स कैटेगराइज्ड इन ए साइंटिफिक मैनर। अब उसके बाद उसके जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना, उस साउंड को यूज करके आप वर्ड्स और लैंग्वेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये जामवंत का ऐसा सामने है, द वे इट्स द टंग, ठीक है। क्या होता है ना कि एक कार्टून में ऐसा मुंह हिला करके किसी भालू को ऐसा बताना ये अलग है, पर जब जब हम एक्चुअल बात करते हैं ना, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो वो भालू जैसे दिखते थे, बहुत बाल होंगे, हो सकता है भालू भी हो, आई डोंट नो, लेकिन ये देख के नहीं लग रहा है कि दिस पर्टिकुलर क्रिएचर इज एबल टू प्रोड्यूस साउंड लाइक ह्यूमंस एंड ही इज एबल टू टॉक लाइक ह्यूमंस। गेटिंग द पॉइंट? तो ये मेरा पॉइंट है बस। अरे उस जमाने में खड़ाऊ होते थे, खड़ाऊ पता क्या होता है, स्पेलिंग पता खड़ाऊ की क्या है? इतने इतने सारे लोग नाराज हो रहे हैं आपसे, इसका कोई कारण होगा। मैं एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक माता जी थी, अच्छी प्रचलित स्टोरी है और ये फैक्चुअल स्टोरी है, क्योंकि ये छपा था, पेपर में आया था और उनके परिवार वालों ने सब बताया कि वो माता जी जब ये इसने जब बांध लिया था ना राम और लक्ष्मण जी को, पूंछ से बांध लिया था अपने नाग पाशा से बांध लिया था, तो वो दिन एपिसोड खत्म हुआ, अब अगले हफ्ते आना है, तो उन्होंने खाना नहीं खाया। सब समझा रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो ऐसा है, वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लोग पूजा करते थे, रामायण आता था, अगरबत्ती लाते थे, ऐसा आरती करते थे, राम जी को नमस्कार करते थे, फिर बैठते थे देखने के लिए। ऑडियंस इतना कनेक्टेड है उस पर्टिकुलर, वो एक हफ्ते बाद वो सीरियल आया, एक हफ्ते उन्होंने खाना नहीं खाया, समझ रहे हो, इतने कनेक्टेड थे। जब सेकेंड टाइम लॉन्च हुआ, ठीक है, सेकेंड टाइम लॉन्च हुआ, इट वॉज एन इंटरनेशनल हिट, रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने, सबको बताया लॉकडाउन के समय लॉन्च हुआ था, इट वॉज इंटरनेशनल हिट। तो इनको लगा था कि ये बहुत अच्छा मोनेटाइजेशन का तरीका है, हम ऐसा कुछ बनाते हैं लोग भर भर के पैसा देंगे, हम देंगे लेकिन यार थोड़ा सेंस की चीज बनाओ, तुमने मजाक उड़ा रहे हो तुम क्या हमारा, डोंट डू दैट, टाइम लो, 500 करोड़ हो गया, 100 करोड़ और खर्च करो, तुम्हारे पास बहुत है, बिनो 100 करोड़ और खर्चा कर सकते हैं, करो, थोड़ा ढंग का बना। हमको भी अच्छा लगता है कि कोई ऐसा कुछ बनाता है, आई वॉज रियली हैप्पी कि कुछ अच्छा आ रहा है, राम जी के बारे में आ रहा है, वाओ वेरी नाइस। पर जब ऐसा कुछ होता है तो देख के लगता है यार क्या मजाक हो गया हमारे साथ, ठीक है। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड। और कुछ और पॉइंट है? नहीं अभी तक नहीं, अब तो 12 जनवरी को देखेंगे, जरूर जाइएगा सिनेमा। मैं अगर नहीं, 12 जनवरी को मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अगर ये फालतू है तो मैं वैसे ही देखने नहीं वाला। मैं रामायण पढ़ा हुआ हूँ, मैं पढ़ के और पुराना वाला रामायण पूरा सीरीज देख के मैं कई बार 2-3 बार देख चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लगता है। सोचो इस उस समय में बना जब VFX के नाम पे बहुत बेसिक चीजें हुआ करती थी, आज भी चल रहा है, कुछ कारण होता है इसका। और ये रिव्यू अगर अच्छा आया, बाकी लोगों ने अगर बोला कि भैया ठीक है, उन्होंने ठीक ठाक कर लिया है, तो फिर मैं सोचूंगा जाने के लिए, लेकिन अभी तो देख के आसार, इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे मेरे को। स्टेटमेंट भी है, ये तो चेंज हो जाएगा कुछ कुछ, इनके पास समय बहुत कम बचा है, जितना रायता इन्होंने फैलाया है 3 महीने में। पहली बात ना, ये इस तरह की मूवीज ना इतनी जल्दी बनती नहीं है, जैसे एपिक टाइम लेके बनते, अच्छी चीजें समय लेता है। बाहुबली 5 साल लगभग लग गए थे अप्रोक्स, बाहुबली 1 को 1.5 साल में लॉन्च कर रहे हैं, जल्दीबाजी, पता है ये पैसा चाहिए, हम जल्दी चाहिए, इंतजार भी नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी है, तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर रिव्यू। तो अब इसमें पॉजिटिव पॉइंट तो मेरे को एक ही लगा, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा था, इट वॉज ए नाइस टच, और बाकी तो मज़ा नहीं आया। जो इन्होंने फोकस पूरा बड़े बड़े डिटेल में कर दिया, माइनर डिटेल्स को मिस कर दिए बोला जाएगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि आपको बहुत बारीकी से स्टडी करना पड़ेगा रामायण को,
ना, वाल्मीकि रामायण जाइए देखिए। बल्कि वाल्मीकि रामायण में रावण कैसा दिखता था उसमें बकायदा है, वाल्मीकि रामायण में है ऐसा कि रावण मुकुट पहनता था सोने का, पूरा आभूषण पहनता था। वो बहुत बोलना चाहिए इगोइस्टिक था, इसलिए बहुत सारे आभूषण पहनने की आदत थी उसको, बहुत अच्छा सुंदर दिखने की आदत थी उसको। ये सब आप देखिए उसमें, ठीक है। मेरे पास और कोई शब्द नहीं है इसके लिए अभी। बाकी हाँ, लेट मी इंट्रोड्यूस, दिस इज बी किरण एंड आई एम आशुतोष, एंड वी हैव लॉन्च्ड 2x1 एज ए न्यू ब्रांड। पहले डिजाइनो मंकी के नाम से आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, पर 2x1 इज ए न्यू ब्रांड वी हैव लॉन्च जस्ट फॉर 2D एंड 3D एनिमेशंस। आपको एनिमेशंस के बारे में और भी जानकारी देने के लिए और कुछ सैम्पल्स भी हम अभी बना रहे हैं, और 2x1 करके हम एक सेपरेट चैनल भी लॉन्च करेंगे, जल्द ही लॉन्च हो जाएगा, और इसकी वेबसाइट भी एक आने वाली है। तो कीप इन टच।